वेलकम टू टेक्निकल पीआर चैनल और ये प्रोडक्ट देख रहे हो। आज के इस वीडियो में इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और रिव्यू होने वाला है और मैं जानता हूँ कि आप सभी के दिमाग में यही चल रहा होगा कि आखिर ये प्रोडक्ट क्या है। तो आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट कोई स्मार्ट वॉच वगैरह नहीं होने वाली है। ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल ही अलग टाइप का प्रोडक्ट है, बजट के अंदर आता है और मेन बात यह है कि इस प्रोडक्ट का मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो उस प्रोडक्ट को मैंने अनबॉक्स कर दिया और क्या आप जानना चाहते हो कि वो क्या था? तो ये रहा दोस्तों वो प्रोडक्ट, HX750 ड्रोन का अनबॉक्सिंग रिव्यू होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो इसे मैंने बहुत ज़्यादा सस्पेंस इसलिए रखा था क्योंकि मैं अक्सर ड्रोन के अनबॉक्सिंग रिव्यू नहीं करता हूँ और ये मेरे चैनल पे पहला अनबॉक्सिंग रिव्यू होने वाला है ड्रोन का। तो ये जो ड्रोन है सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपीज का आता है और 1600 रुपीज के हिसाब से टोटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे Amazon से परचेज कर सकते हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके एक बार चेक कर लेना। बाकी मेरे हिसाब से तो ये प्रोडक्ट टोटली वैल्यू फॉर मनी है और 1600 रुपीस के हिसाब से अगर आप कोई टाइम पास या फिर ऐसा कोई टॉय लेने की सोच रहे हो तो इससे बेस्ट प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता है। तो अनबॉक्सिंग रिव्यू शुरू करता हूं, पर उसके पहले ही बता दूं कि इस ड्रोन का मैं गिव अवे करने वाला हूं। तो ये जो ड्रोन है इसका गिव अवे होगा कमेंट पिकर से चूज होगा। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के सारे क्राइटेरिया आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करना और गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर से कर लेना, तो आपके पास चांसेस होंगे ये ड्रोन जीतने के। चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्स करके इसके कंटेंट्स बताता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ इस साइड से मैं इसे हटा देता हूँ टेप को और इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करूं कंटेंट्स की तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसका रिमोट कंट्रोल। तो आगे इसके सारे कंट्रोल्स एक्सप्लेन करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्लेड्स और इसका चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो एक बार आपको बता देता हूँ, तो इसका चार्जर कुछ इस टाइप का है और आपके फोन के अडेप्टर से कनेक्ट हो जाएगा और आप इस ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। और इसी के साथ दो एक्स्ट्रा ब्लेड देखने को मिलेगी, अगर इस ड्रोन की ब्लेड वगैरह डैमेज हो जाए तो फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी यूजर मैनुअल। तो यूजर मैनुअल बहुत ज्यादा बड़ी है और इसके अंदर आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि आप ड्रोन को कैसे फ्लाई कर सकते हैं और इसी तरीके की बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इस साइड की टेप भी हटा देता हूं मैं, तो इस साइड में यहाँ पे आपको ड्रोन देखने को मिल जाएगा। तो इसे ओपन कर लेता हूं मैं, तो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स दिया हुआ है तो इसे निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ड्रोन देखने को मिल जाएगा और ये यहाँ पे अटैच किया गया है ताकि डैमेज ना हो जाए। तो इसकी पैकिंग के मामले में तो बहुत अच्छी पैकिंग लग रही है मुझे और 1600 रुपीस के हिसाब से तो वर्थ इट है। तो यहाँ पे ये ड्रोन को मैंने निकाल दिया है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ड्रोन। तो ये जो ड्रोन है एक बार चेक कर लेता हूँ चार्ज है कि नहीं। तो इससे आपको जब भी ऑन करना हो तो इन दोनों को अटैच करना होगा, यही इसका स्विच है ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों को आप इस तरीके से अटैच करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत बैटरी थी तो यहाँ पे ये ड्रोन ऑन हो चुका है और इस तरीके से ऑन कर सकते हैं आप इस ड्रोन को। और उसके बाद ऑफ करना हो तब इसे वापस से अलग कर लेना तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ रिमोट कंट्रोलर के अंदर आपको सेल डालने होंगे, तो सेल इस प्रोडक्ट के साथ नहीं आता है तो आपको अलग से लाके डालने होंगे। मैं एक बार इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इसके रिमोट के अंदर आपको 3 पेंसिल सेल डालने होंगे, तो इसे मैं डाल देता हूँ इस तरीके से। सबसे पहले अगर बात करूँ इस ड्रोन के बिल्ड की तो इस ड्रोन की बिल्ड क्वालिटी ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है। यहाँ पे आपको चारों तरफ गार्ड दिए गए हैं ताकि आपका ड्रोन डैमेज ना हो अगर इधर उधर टकराए तो। और पीछे से अगर बात की जाए तो पीछे से यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे इस साइड में, और बैटरी इसकी 300 mAh की बता रही है कंपनी। वो वीडियो में आगे चेक करेंगे कि कितना बैटरी बैकअप मिलता है। तो ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो लाइट वेट है और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है ताकि आपका ड्रोन लंबे समय तक चले और बिल्कुल भी डैमेज वगैरह ना हो।
तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से इस टाइप की बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती है अक्सर ड्रोन्स में। वैसे इस ड्रोन के साथ कैमरा नहीं आता है, पर यहाँ पे स्पेस दी गई है, तो अगर आप चाहे तो अलग से कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं। 500 to 600 में आपको यहाँ पे कैमरा लग जाएगा आपके ड्रोन के, तो अगर आप चाहे तो कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी इस ड्रोन के अंदर बाई डिफॉल्ट कैमरा नहीं आता है। और उसके बाद अगर बात करूं रिमोट की बिल्ड क्वालिटी की, तो रिमोट की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा सॉलिड है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। वीडियो के आगे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इन सब से क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे दो बटन्स दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। और रेंज की अगर बात करूं तो रेंज भी बहुत अच्छी है। इस ड्रोन को आप 10 मीटर्स के डिस्टेंस तक उड़ा सकते हैं। तो ड्रोन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको इसे कनेक्ट करना होगा कुछ इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पे आपको रिमोट को ऑन करना होगा। तो इसके बाद सबसे पहले आपको इसको ऊपर करना होगा, फिर इस तरीके से नीचे करना होगा। अब ये जो ड्रोन है इसकी लाइट्स ब्लिंक करना बंद कर दिए, मतलब ये एक्टिव हो चुका है। अब इसे आप हल्का सा भी ऊपर करेंगे तो इसके फैन ऑन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस ड्रोन को कैसे फ्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिमोट का ये वाला जो बटन है इसे ऊपर या नीचे करेंगे तो फिर इसके फैन ऑन हो जाएंगे और ये ऊपर या नीचे उड़ पाएगा। तो और इस साइड में राइट साइड के जो कंट्रोल है इसको आप आगे पीछे साइड में करेंगे तो फिर ये उस हिसाब से मूव होगा। तो आप इसे जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहे ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये वाला जो राइट वाला जॉयस्टिक है इससे आप डायरेक्शन दे सकते हैं, और लेफ्ट वाले जॉयस्टिक जो है इससे आप इसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इजी है, आपको 1-2 दिन प्रैक्टिस करनी होगी और आप इस तरीके से सीख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो राइट में 4 बटन दिख रहे हैं इनका क्या यूज़ है। तो फिर ये जो है डायरेक्शन को एडजस्ट करने में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी जगह पर ड्रोन उड़ा रहे हैं जहाँ पे हवा राइट की तरफ चल रही है, तो आपका ड्रोन जो है अपने आप राइट की तरफ जाएगा, तो आप उस टाइम पे लेफ्ट वाला जो मोड है उसे ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट वाली जो जॉयस्टिक है उसे लेफ्ट या राइट में मूव करके आप इस ड्रोन को 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये फीचर बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है डायरेक्शन को एडजस्ट करने के लिए, और इस तरीके से आप डायरेक्शंस को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस ड्रोन में कैमरा लगवाओगे तो फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो बटन है नीचे वाले बटन से वीडियो ऑन होगा और ऊपर वाले बटन से फोटो ले पाओगे। ये वाला जो बटन है ये 1 की रिटर्न है, और इसके ऊपर वाला है हेडलेस मोड, तो ये दोनों बटन्स भी वर्किंग है। उसके बाद इस ड्रोन का मैं सबसे कमाल का फीचर बताता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में ये जो बटन है इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो फिर ये बीप करेगा, और बीप करने के बाद आप इसे फ्लाई करके किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे तो उस डायरेक्शन में फ्लिप करेगा। तो ये बहुत कमाल का फीचर है। ऊपर से जो लेफ्ट साइड वाला बटन है उससे आप इस ड्रोन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। अगर ये 1 बार बीप करे मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे और कम से कम स्पीड पे मूव करेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 पे सेट कर रखा है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। और उसके बाद अगर मैं वापस इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इस बार 2 बीप सुनाई देगी, और 2 बीप सुनाई देगी तब ये थोड़ी सी फास्ट स्पीड में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद अगर मैं वापस क्लिक करूँगा तो 3 बीप सुनाई देगी, और उसके बाद ये बहुत ज्यादा तेज स्पीड में आ जाएगा और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी मैक्सिमम लेवल पे। तो रिमोट के मैंने सारे फंक्शन बता चुका हूं, तो फिर अब मैं आपको फाइनली आउटडोर में ये ड्रोन फ्लाई करके बताता हूं, और अब आप मजा लीजिए सिनेमैटिक शॉट्स का। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.